सजा हो गया वे सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया नी सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया नी साडा तेरे बिना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं बीआरबी फोटो वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो हम सीखेंगे व्हाट्सअप स्टेटस फोटो बना के कैसे कर सकते हैं और उसमें इफेक्ट किस तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही एडिटिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो हमारी कैसी है, वॉइस कैसी है, क्वालिटी कैसी है। तो कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी तो नहीं रहेगी। ये तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसका नाम है पिक्सल लैब। यहाँ पर आपको उसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ पर है जो आपको ये हटा देना है और यहाँ पर नीचे आना है साइज सेलेक्ट में। तो आप यूट्यूब थंबनेल साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ के प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना और कलर पर सेलेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर वाइट कलर ले लीजिए, मैं वाइट कलर ले रहा हूँ, आप जो भी मन चाहे वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं वाइट कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, वाइट कलर ले लेता हूँ और इसको ओके डन कर देते हैं। ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से बना लेना है, ठीक है, जिस साइज़ में आप फ़ोटो बनाना चाहते हैं। मैं इस तरह का फ़ोटो बनाना चाहता हूँ तो इस तरह का मैंने साइज़ को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको फिर इसको थोड़ा सा राउंड अप करवा देना और यहाँ पर ले लेना है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है इसको। और फिर यहाँ पर आना है और आपको स्टॉक पर स्टॉक कलर दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और आपको जो भी पसंद है वो कलर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद में इसको डन कर देना आपको, ठीक है। और इसको थोड़ा सा स्टॉक को बढ़ा देना है, 5 रख देते हैं, ठीक है। फिर इसको ओके कर देते हैं। तो ये फ्रेम का जो कवर है इसको सेट हो गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, फ़ोटो सेट करना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और डाउनलोड ऑप्शन पर जो मैंने फ़ोटो डाउनलोड कर रखी है इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, अगर ये फ़ोटो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और आपको अच्छी चीज़ आपकी खुद की कोई फ़ोटो ले सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको पहले क्रॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट करके सेट करने की कोशिश करता हूँ, होता है तो ठीक है, वरना क्रॉप कर आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा है, इसको आपको क्रॉप करना है और यहाँ से खींच के आप इसको लंबाई अपने फ्रेम के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर इतना रख दे दें, ठीक है। अब इसको क्रॉप कर लेंगे अपन, तो अब इस क्रॉपिंग पर जाते हैं और यहाँ पर है जो इतना कर लेते हैं क्रॉप, ठीक है। तो ये अब ठीक है, अब इसको साइड में से आप यहाँ पर करके यहाँ इस तरीके से सेट कर दीजिएगा और इसको थोड़ा सा राउंड अप फ्रेम के हिसाब से राउंड अप कर देना है आपको और यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है, एकदम एडजस्ट बिठा देना है फ़ोटो को। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, यहाँ पर इस तरीके से आपको है जो सेट कर देना है, ठीक है। एकदम आपको एडजस्ट बिठाना है, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए इसके अंदर ही फिट किया हुआ है। तो दोस्तों देख सकते बहुत अच्छे तरीके से ये जो है सेट हो चुका है। अब हमें इसमें और टेक्स्ट देने हैं, ठीक है। तो आप टेक्स्ट कोई भी दे सकते हैं, कोई शायरी लिख सकते हैं या कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक लव लिख के बता दूँ, तो लव को लिख दे दें LOV, यहाँ पर ये लिख दिया और इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर ए नीचे देखिए ए लिखा हुआ है, उस पर जाना है आपको और यहाँ पर जाकर फ्रंट पर क्लिक कर देना है, फ़ॉन्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से जो आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकेंगे कोई भी। तो मैं यहाँ से एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। और अब इसमें आप कोई भी कलर वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देखिए ये आ गया, स्टॉक दे देते हैं कोई भी कलर का, ठीक है, आपको देना हो तो। तो मैं यहाँ पर ये रेड दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ और जूम आउट कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप व्हाट्सअप स्टेटस आराम से बना सकते हैं ये वाली फ़ोटो इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो पिक्सल लैब की फ़ोटो का हो गया काम। इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं आप, नाम लिखना चाहे तो बहुत अच्छा दिखेगा एक्टिव। तो यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देते हैं या नहीं लिखते हैं रहने देते हैं इसको, इसको मैं बैक कर देता हूँ, कोई नाम नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और भी नाम आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और इसको
ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है, वहाँ से जाकर एक्सपोर्ट इमेज का आप कर लीजिए, ठीक है। तो सेव टू गैलरी पर जाइए और कर दीजिए। अब चलते हैं काइन मास्टर पर और वहाँ पर किस तरीके है जो हमें उसे एडिट करना है वीडियो को, ठीक है। तो इस तरीके का फ़ोटो भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये भी आप वहाँ से डाउनलोड करिए। आपको ज़्यादा नहीं बनाना आता है तो सिर्फ फ़ोटो ही सेट करनी रहेगी। तो चलते हैं काइन मास्टर पर और देखते हैं वीडियो आगे का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काइन मास्टर ओपन कर लिया और यह जो फोटो अपने बनाया वो उसको भी मैंने मीडिया में जाकर एक्सपोर्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर है जो ये वाला बैकग्राउंड हम ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम है जो इस तरीके से सेट करते हैं, थोड़ा राउंड अप करवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम करते हैं, क्रॉप करना पड़ेगा आपको यहाँ पर से इसको, ठीक है। तो इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ पर सेट करना है आपको और फिर क्रॉपिंग पर आपको क्लिक कर देना है और इसे इनेबल कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको है जो यहाँ पर लाना है और इसको यहाँ से साइड से खिसका देना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो तो क्रॉप कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है और ब्लेंडिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद में, और आप चाहे तो क्रोमा की भी कर देते हैं, पहले मैं क्रोमा की वाला बता दें किस तरीके से दिखेगा। तो आपको जिस स्क्रीन में है ब्लैक का है तो ये ब्लैक में इस तरीके का होगा, पर ये है जो क्रोम का अच्छा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। आप चाहे तो कर सकते हैं, तो आप वहाँ से ही कीजिए ब्लेंडिंग से। तो मैं ब्लेंडिंग में जाता हूँ, ब्लेंडिंग में जाकर आपको यहाँ पर है जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। और देखिए बहुत अच्छे से है जो ये हो चुका है क्रोमा। अब इसको प्ले करके हम देखते हैं किस तरीके का बनाएं। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो वीडियो बन गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारा काम है वीडियो बनाकर आपको सिखाना और आपका काम है शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों शेयर करने में कोई भी कमी मत रखिए, फुल शेयर कीजिए और लाइक तो बनता ही है, लाइक तो आपको करना ही है, क्योंकि आप वीडियो शुरू करने से पहले ही लाइक कर दिया करो, क्योंकि बाद में वीडियो की भावनाओं खो जाते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं। तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ और आप लोगों का काम है आगे शेयर करना कि नॉलेज है जो बांटते रहना चाहिए। तो इसको आप है जो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।